अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ स्टेक्स की रेसिपी। और ये बीफ को जो मैंने अंडरकट लिया था मैंने बीफ का, और इसके मैंने छोटे छोटे जूलियन फॉर्म में कट कर लिया है। मैंने इसके फिले नहीं कट किए, मैंने इसको जूलियन फॉर्म में कट कर लिया है। तो ये एक तरह से बीफ चिली ड्राई जो आप खाते हैं उस तरह की है, लेकिन ये स्टेक्स की ही रेसिपी मैं फॉलो करूँगी। और देखते हैं ये कैसी बनती है, और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये लिया है बीफ का अंडर कट लिया है मैंने, और ये मैंने लिया है 1/2 kg, और इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया अच्छी तरह से वॉश करके। और फिर यहाँ पर मैंने लिया है अनियन, एक मैंने बिग साइज़ की अनियन लिया है, और मैंने ग्रीन चिली को छोटा छोटा जूलियन फॉर्म में कट कर लिया है। थोड़ी सी मैंने कैप्सिकम लिया, उसको भी मैंने जूलियन फॉर्म में कट कर लिया है। स्पाइसेस में मैंने लिए है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट, कुटी लाल मिर्च, और मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, और थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट लिया है। सॉसेस में मैंने ली है सोया सॉस, और ये स्टेक सॉस है, और ये स्टेक सीजनिंग है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रेशर कुकर को रख दिया है मैंने स्टोव के ऊपर अपने, और इसके अंदर ही मैं ये बीफ डाल दूँगी जो मैंने बीफ कट किया है। और ये बीफ मैंने ऐड कर दिया, और इसके साथ ही मैं इसमें 1 glass ऑफ वाटर ऐड करूँगी। ये वाटर मैंने ऐड कर दिया इसके साथ। वाटर ऐड करके मैंने हाई फ्लेम किया हुआ है, जब इसको बॉयल आएगा तो फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बस प्रेशर दूंगी कि ये गल जाए, क्योंकि आपको पता है बीफ अंडरकट जो है वो तो वैसे ही फ़ौरन से गल जाता है। और साथ में मैं इसमें अब स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में मैंने ली ये जो सारी स्पाइसेस ली थी ये मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर एक साथ, और साथ ही मैंने इसमें जो अनियन और वो जो ली थी बेल पेपर वगैरह वो भी ऐड कर दूंगी। अब इसको मैं एक तरह से मिक्स करूंगी। बस थोड़ी देर मैं इसको बॉयल आता है तो फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी, और 5 minutes के लिए इसको मैं प्रेशर दूंगी, और फिर ये हो जाएगा डन। तो मैं इसको थोड़ा सा बॉयल आता है तो मैं इसको रखने लगी हूँ प्रेशर कुक होने के लिए। चलिए जी, अब हम राइस प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने राइस को बॉयल कर लिया है पहले से ही, और बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ा सा मैंने सोया सॉस इसमें डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और ब्लैक पेपर मैंने फ्रेशली ग्राउंड किया वो ऐड कर दूंगी, और चिकन पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बस दैट्स इट। बस अब इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूंगी, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। दैट्स इट, हमारे राइस भी हो जाएंगे रेडी। और उसको दम की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको फुल कुक कर लिया है। बस इसको टॉस कर लिया मैंने, और ये हो गए हमारे डन। सिंपल से हमारे राइस। अच्छा, यहाँ पर मेरा जो बीफ है ना वो हो गया था डन, गल गया था। यहाँ पर मेरा बीफ जो है वो गल गया था, इसमें जो पानी है उसको मैं ड्राई कर लूँगी। फुल फ्लेम पे आपने रखना है, और इसका जो पानी है वो ड्राई कर लें अच्छी तरह से। जितनी देर में बीफ का पानी हो रहा है ड्राई, हम रेडी कर लेते हैं अपनी वेजिटेबल्स। उसके लिए मैंने कैरेट्स ली हैं, कॉर्नस ली हैं, और पीस ली हैं, ग्रीन पीस। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल लें आपकी मर्ज़ी। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी,
जितनी देर में मेरा बीफ का जो है वो रेडी हो रहा है उतनी देर में मैं इसको कर लूँगी। इसमें थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर ऐड की और लेमन ऐड किया, स्क्वीज किया लेमन। इसे मैंने साथ ही थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया और इसको बस मैं थोड़ी देर 2 मिनट्स के लिए मैं इसको सौते करूँगी। स्टेक्स का जो है वो पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया है और अब हमने इसमें डालनी है ये जो मैंने ब्लैक पेपर फ्रेशली ग्राउंड की हुई थी वो ऐड करूँगी। स्टेक्स मेरे हो गए हैं डन। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर जो है वो फ्रेशली ग्राउंड करके डाली थी, फिर मैंने स्टेक सॉस ऐड की थी और सोया सॉस और फिर मैंने इसको ड्राई कर लिया था। मेरा कैमरा हीटअप हो गया था इसलिए मैं वो शूट नहीं कर सकी, वो मुझे कैमरा ओपन करने नहीं दे रहा था मोबाइल, तो इस वजह से मैंने वो शूट नहीं किया। तो मैंने कहा आप लोगों को ऐसे बता दूं, तो मैं अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूं। हमारे स्टेक्स जो हैं वो हैं रेडी। ये राइस है, ये स्टेक्स और ये वेजिटेबल्स हैं। अब हम इसको इन्जॉय करने लगे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और साइड लाइंस आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लें, बेशक आप इसके साथ फ्राइज़ रख लें, बेशक आप इसके साथ मैश पोटैटोज़ रख लें। मैंने तो राइस रखे क्योंकि एक फुल मील हो जाएगा ये इस वजह से। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।